तो गाइस मैं आज बनाने वाला हूँ खुद का एक गेमिंग रूम, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। वैसे रूम तो पूरा बनके तैयार है, मेरे को बस इसका इंटीरियर पूरा गेमिंग वाला करना है। और फिर ये मैं वीडियो ना पूरे दो पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। पहले मैं पूरा गेमिंग वाला बनाऊंगा, बाद में पूरा रूम डिजाइन करूंगा। सबसे पहले मैंने दो एयर कंडीशनर लगा चुका हूँ, मतलब एसी लगा चुका हूँ, जिससे रूम थोड़ा ठंडा भी रह पाए, एकदम फील आनी चाहिए वो गेमिंग वाली। और इसके बाद सबसे पहले मैं लगा दूंगा लाइटों के स्विच, एक दर कॉर्नर में लगा देता हूँ लाइट का स्विच, जिससे लाइट ऑन ऑफ हो सके। ये चालू होता है या नहीं? हो, चालू भी होता है ये तो। तो है ना, इसके बाद हम सबसे पहले है ना ढूंढना चाहेंगे एक क्या चीज़ हमको सबसे पहले करनी चाहिए। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले एक गेमिंग टेबल्स, पहले हमको है ना साइड में गेमिंग टेबल्स लगानी पड़ेगी, जिससे हम इसके ऊपर अपना पीसी सेटअप कर सके। साइड में मैं टेबल्स लगाना चालू हो चुका हूँ। तो यहाँ से मैं पहले ना एकदम फटाफट है ना पूरी गेमिंग टेबल्स का सेटअप एक बार पूरा कर लेता हूँ। तो ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पूरी है ना अच्छे तरह से ना गेमिंग टेबल्स लगा चुकी है। अब ना बारी आती है इसके ऊपर है ना कॉन्सोल्स और पीसी रखने की। तो यहाँ मैं एक पीसी रखता हूँ और एक कॉर्नर में रखता हूँ। मेरे को टोटली 3 पीसीज लगाने इधर, और यहाँ पीछे एक बार लगा के देख लेता हूँ 8 GB लाइट्स, और देखते कमरे का लुक कैसा आता है। दिखने में तो कुछ खास भी नहीं लग रहा है, पर लुक एक आ जाएगा अच्छा सा, इसलिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं। और उसके बाद बारी आती है लैपटॉप की, कि एडिटिंग के लिए लैपटॉप पास में एक रखना चाहिए, पर यहाँ लग नहीं रहा, शायद पीछे लाइट्स की वजह से ये नहीं लग पा रहा है। यहाँ मैंने एक लैपटॉप रख दिया है पहले साइड में, और यहाँ एक पीसी नहीं लग सकता, एक साइड में पीसी मैं लगा देता हूँ। अब बारी आती है हमारे गेमिंग चेयर की, ये यहाँ भी नहीं लगी, थोड़ा पीछे रख देते गेमिंग चेयर्स को, जिससे लुक एकदम बढ़िया आनी चाहिए। अब मैं एकदम साइड में आके इधर भी एक गेमिंग चेयर लगा देता हूँ, और अपने थर्ड पीसी के ऊपर भी गेमिंग चेयर लगा देता हूँ। ये थर्ड वाली पीसी पे भी मैं अब गेमिंग चेयर, एक मिनट, ये क्लिक करके लगा देता हूँ। गाइज ये पीसी चालू भी हो रहे हैं, ये वापस चालू करके देखता हूँ। हाँ, अब मैंने एक बार जाके पहले गेमिंग चेयर लगा देता हूँ, और एक बार सारे के सारे पीसी चालू कर लेता हूँ। ये भी चालू हो चुका है, कर्व्ड स्क्रीन वाला भी। अब गाइज एकदम बढ़िया थोड़ी थोड़ी लुक आनी चालू हुई है ये, पर चेयर का थोड़ा मामला बैठा नहीं है इधर, ये चेयर बहुत ज़्यादा पीछे आ गई है। इसको एक बार मैंने पूरा आगे प्लेस कर लेते एकदम सही तरीके से, ये क्या इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। अब हम इसको एक बार सही से प्लेस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी गाइज, तो आप देख सकते हो एकदम सही तरीके से प्लेस हो चुकी है, और गेमिंग टेबल एकदम सही तरीके से बन चुकी है। अब हमको यहाँ कॉर्नर के अंदर लगाने पड़ेंगे सोफ़ा, जिससे आराम से कोई बैठ के भी कॉन्सोल्स के अंदर गेम खेल सके। तो यहाँ सबसे पहले मैं कॉर्नर में गोल्ड डिज़ाइन में सोफे लगाना चाहूँगा इधर, जिससे वो बहुत बढ़िया वाली लुक आती है। यहाँ से मैंने एकदम साइड से एकदम सोफ़ा लगाना सही से चालू कर चुका हूँ, और देखते हैं और साइड में कितने सही से सोफे लगाने पड़ेंगे। है मेरा प्लान तो था कि सोफ़ा थोड़ा आगे ले लो, पर ये तो अटैच ही नहीं हो पा रहा। पहले मैं यहाँ से पूरी का लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ सोफे की, तो ये एकदम बढ़िया लग रहा है अब तो। ऑल राइट गाइज, अगर हम साइड में भी दो सोफ़ा लगा के देख लेते, पर ये सही से जच नहीं रहा, एक तोड़ देते एक सोफ़े को। और अब चलते हैं कुछ और नई चीज़ क्रिएटिव करने के लिए इसके अंदर। सबसे पहले मैं अपने पोशन मार लेता हूँ, जैसे अंधारा ना लगे, और शायद नहीं ये टॉयलेट बांधने लगे। पहले अपन टेडी बियर एक बार हो सके तो लगा देते हैं, एक बार अपन टेडी लगा के देखते हैं, गेमिंग रूम की शान होती है। इसको हम लगाएंगे थोड़ा गेमिंग टेबल के पास में। शायद मेरे को 8 GB लाइट्स अभी तोड़ देनी चाहिए, एकदम लुक बढ़िया भी नहीं दे रही है, और टेबल भी खाली खाली भर दी है। यहाँ मैं लगा चुका हूँ एक टेडी को, तो पर सिर्फ दो गेमिंग पीसीज के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है, 3 तो कम से कम होने चाहिए इस टेबल पर। एक बार मैं यहाँ पीछे वाली 8 GB तोड़ के एक बार एक पीसे लगा के देखता हूँ जच पा रहा है या नहीं। अब लगता है हमको हमारे प्यारे टैडी को यहाँ तोड़ना ही पड़ेगा, और उसको पीसी को थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ हमारे प्यारे टैडी को ब्रेक कर चुके हैं, और यहाँ एक बार पीसी लगा के देख लेते हैं। अब गाइस लुक आ रही है ना असली है ना गेमिंग पीसीज वाली एक टेबल के ऊपर। तो ये तो हमारे पीसी एकदम लग के तैयार हो चुके हैं, और हमको अब साइड में इसके एक गेमिंग चेयर लगानी पड़ेगी। ये एक मिनट, लैपटॉप हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये गाइस अब मैं सारी गेमिंग चेयर का तोड़ के एकदम सही तरीके से यहाँ लगा देता हूँ। ये गलती से उल्टी लगी, सीधी लगा देता हूँ वापस इसको, गलती से पीछे वाला ब्लॉक भी टूट गया, कुछ नहीं। अब ना हम पहले यहाँ से ऊपर होके सही से गेमिंग चेयर लगा देते हैं, पीसी बंद हो गया चालू, और एक गेमिंग चेयर यहाँ भी लगा देते हैं, और पीछे वाली को एकदम सावधानी से जाके तोड़ देते हैं सही से। तो हमने पीछे वाली भी गेमिंग ना चेयर तोड़ चुके हैं, अब इसको तोड़ के यहाँ भी एक बार सही से लगा देते हैं हम गेमिंग चेयर को, वापस पीसी बंद हो गया चालू।
अब टाइम आता है जो हमने तोड़ा था ब्लॉक, वो वापस एक बार पहले ब्लॉक लगा देते हैं, बाद में अपन देखते हैं दूसरी चीज़ें क्या करनी है। तो फटाफट से पहले मैं जो ब्लॉक है ना डैमेज हो चुका था उसको लगा देता हूँ और बाकी की तैयारी कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, अब आई जा चुकी है हमारा डेस्कटॉप लगाने की, मतलब रियल पीसी लगाने जिससे पावर मिल सके पीसी को। तो यहाँ तो इसको सेट हो नहीं पा रहा है, एक बार मैं दूसरे पीसी के यहाँ लगा के देख लेता हूँ। यहाँ भी यहाँ कुछ खास लग नहीं रहा और नीचे भी एकदम नहीं जा नहीं पा रहा। ये एक कॉर्नर वाले के एकदम इसके तो यहाँ सेट हो चुका है, इसके तो कोई बेकार लग नहीं रहा। अब मेरे साइड से ना इनके माइक तोड़ देने चाहिए हमको, माइक हम बाद में कुछ काम करके एडजस्ट कर देंगे इसके। तो अब ये हम टेबल पर रख देते हैं। और गाइस अब लुक आ रही ना असली गेमर वाली, क्या ओपी लग रहा है एकदम। अब मैंने इसकी लुक बहुत ज़्यादा ना गेमर वाली हो चुकी है। और हम फटाफट देखते हैं दूसरी तैयारी की ओर। अब हमको लगाने चाहिए फैंस। सबसे पहले मैं स्विच लगा देता हूँ फ़ैन के, यहाँ एक सोफेस पर और एक शायद हमको लगाना चाहिए गेमिंग पीसी के ऊपर, जिससे गेमर्स भी अपना ये फ्लो सही रख सके। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ एक फ़ैन और देखते हैं चल पाता या नहीं। गाइस ये तो सच्ची में रियल में वर्क कर रहा है। तो है ना फटाफट मैं और जगह जाके फ़ैन लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ फ़ैन लगाना चालू कर चुका हूँ। हमको एक फ़ैन शायद सोफ़ास के ऊपर भी लगा देना चाहिए एकदम बीच में आकर। तो ऑलराइट गाइस, अब फैन ये सब करने के बाद हमारा कुछ गेमिंग रूम इस तरह लग रहा है। ओ गलती से लैपटॉप तोड़ दिया। लैपटॉप मैं यहाँ से एक बार वापस लगा देता हूँ और चालू भी कर देता हूँ लैपटॉप को। तो गाइस ऑलरेडी हमारा गेमिंग रूम बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। बारी आ चुकी है टीवी लगाने की। यहाँ दो टीवी ये बढ़िया दिख रही है और शायद हमको दो टीवी सोफ़ास के उधर भी लगा देनी चाहिए, एक इधर इस साइड पर और एक एकदम इस साइड पर। अब कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी लुक आने लग गई है गेमिंग रूम के अंदर। अब चलते आगे नेक्स्ट डेकोर की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, हमारी आधे से ज़्यादा सब ज़्यादा तैयारी हो चुकी है। अब हमारे चांस आ गए स्पीकर्स लगाने के, जिससे है ना यहाँ गेमिंग रूम में कुछ एंटरटेन होता रहे। दो स्पीकर में हर कॉर्नर में ना दो दो स्पीकर लगाता रहूँगा, जिससे एकदम वाइब आ जानी चाहिए एकदम गेमिंग डांसिंग जैसे पार्टी वार्टीज करने के लिए भी काम आए। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और इस वीडियो पर भी नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ ना मैंने ऑलरेडी गाइस जब मैंने यहाँ बारी याद की हमारे ना हेडफोन्स रखने की, मेनली चीज़ हमारे गेमिंग के अंदर काम आती है वो होती है हेडफोन्स। तो मैं सबसे पहले हेडफोन्स ही इनके ना कुशन्स रख लेता हूँ साइड, मतलब कुशन वाली टेबल्स। अब इसके ऊपर मैंने एकदम हेडफोन सजा के रख दूंगा। गाइस अब ये गेमिंग रूम वाली बहुत ज़्यादा तगड़ी वाइब आनी चालू हो चुकी है। आप देख सकते हो क्या शानदार गेमिंग रूम बना है इधर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको है ना आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।